अच्छा जी, इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले देखते हैं इस पॉइंट को। ये जो पॉइंट है यानी सितंबर के एंड पे, इट इज़ द मिनिमम। एंड इफ़ यू लुक एट हेयर एट द एंड ऑफ अगस्त और बिगिनिंग ऑफ सितंबर, यू नो जून जुलाई और अगस्त, यू नो इट वॉज लॉन्ग डे हेयर एट एक्स। यू यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ फर्स्ट, द एक्स, सो दैट यू कैन यू नो प्लॉट ग्राफ एट वाई लोकेशन। सो एट द एंड ऑफ अगस्त एंड बिगिनिंग ऑफ द सेप्टेम्बर, यू सी जून जुलाई एंड अगस्त द डेज वर लॉन्ग। ड्यूरिंग लॉन्ग डेज देर वॉज मोर टाइम फॉर फोटोसिंथिस टू टेक प्लेस एंड मोर कार्बन डाइऑक्साइड वॉज रिमूव्ड। सो दिस ग्राफ शोज अ डिक्रीजिंग कंसनट्रेशन ऑफ एटमोस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड एंड द मिनिमम कंसनट्रेशन इज हेयर विच इज़ अराउंड यू नो लेस देन 379, यू नो 378 पॉइंट समथिंग इन यूनिट्स। एंड एट द एंड ऑफ यू सी मई, मार्च अप्रैल और मई, विच वॉज द मीडियम डेज, यू सी द कंसनट्रेशन वॉज द मैक्सिमम। इफ वी लुक एट यू नो दिसंबर जनवरी और फेबररी, तो यू सी द डेज वर शॉर्ट एंड द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन फ्रॉम दिसंबर ऑनवर्ड इट इज इंक्रीजिंग। इंस्टेड फ्रॉम सेप्टेम्बर ऑनवर्ड, सेप्टेम्बर अक्टूबर एंड नवम्बर, इट इज़ द मीडियम डेज, सो द कंसनट्रेशन इज इंक्रीजिंग। एंड फ्रॉम मीडियम डेज देन इट बिकम्स शॉर्ट डेज, सो द कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन फर्दर कीप्स ऑन इंक्रीजिंग। ओके, सो दिस इज़ हाउ यू यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस ग्राफ एक्स फर्स्ट। नाउ लुक एट यू नो द ग्राफ एट वाई लोकेशन। सो वी स्टार्ट फ्रॉम हेयर, डिसंबर जनवरी एंड फेबररी इट वॉज द लॉन्ग डेज। सो ड्यूरिंग लॉन्ग डेज यू नो मोर कार्बन डाइऑक्साइड विल बी रिमूव्ड फ्रॉम एटमोसफेयर बाय लॉन्गर टाइम फॉर फोटोसिंथिसिस। सो वी विल हैव एट द एंड ऑफ फेबररी द मिनिमम कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन द एटमोसफेयर। सो वी पुट अ पॉइंट हेयर, यू नो वी पुट अ पॉइंट हेयर, यू नो एट द एंड ऑफ फेबररी हेयर। ओके, सो एट दिस पॉइंट, सो दिस वुड बी द कंसनट्रेशन एट द एंड ऑफ फेबररी। इट विल बी सेम एट द बिगिनिंग ऑफ यू नो मार्च हेयर। ओके, सो एट द बिगिनिंग ऑफ मार्च इट विल बी द सेम कंसनट्रेशन हेयर। नाउ लुक एट यू नो फ्रॉम लॉन्ग डेज वेयर द कंसनट्रेशन वॉज यू नो द मिनिमम, इट इज़ गोइंग टू मीडियम डेज। नाउ द डे लेंथ इज डिक्रीजिंग, सो एज द डे लेंथ इज डिक्रीजिंग द कंसनट्रेशन विल इंक्रीज टिल द यू नो दिस, टिल द एंड ऑफ मे द कंसनट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड विल इंक्रीज। देन आफ्टर मीडियम डे लेंथ इट कम्स अ शॉर्ट डे लेंथ एंड टिल द एंड ऑफ अगस्त, यू नो टिल द एंड ऑफ अगस्त, यू नो हेयर अप टू दिस पॉइंट दिस कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन कीप्स ऑन इंक्रीजिंग एंड इट बिकम्स मैक्सिमम एट दिस पॉइंट। ओके, सो आई एम सॉरी फॉर द बैड ग्राफ एज आई एम ड्राइंग इट विद फिंगर, सो यू कैन यू नो ओमिट द अननेसेसरी शेडेड और दीज ब्रोकन लाइन्स। ओके, सो दिस इज हाउ इट वुड कीप ऑन, कार्बन डाइऑक्साइड कंसनट्रेशन वुड कीप ऑन इंक्रीजिंग एज एट टिल द एंड ऑफ अगस्त इट इज द शॉर्ट डेज। Then you know it becomes medium days. The day length increases, so carbon dioxide will begin to be removed, and the carbon dioxide concentration will, toward the end of you know November, carbon dioxide concentration will keep on you know decreasing, and then the day length becomes long. So further length of the day increases, so it keeps on you know. So this will have like this. So. I'm sure you can understand. It should be straight line from this point, you know, the straight line from this point upwards, and then up to this point, and then you know
you will have decrease till this point. So you will join this point. So you see it is peak from the peak will be during end of August and beginning of September. Here you will have a peak here. Why you will have peak here? Because you had the shortest day length from June, July and August. So less photosynthesis was taking place and less carbon dioxide was being removed. And as there are many other processes like respiration and many other that are adding carbon dioxide into the atmosphere, so the carbon dioxide concentration will keep on increasing till the end of August here. Okay. If we look at the graph at X location, so you see at the end of short day, which is February, so this is end of February, you see the carbon dioxide concentration you had, that is the minimum. And then from the medium, you know, it keeps on increasing. And then as it becomes the long days, so it becomes, you know, it keeps on, you know, decreasing. So at location X, at August, it will be the lowest concentration. Okay, why? Because at the end of long days, and at length at Y location, at the end of this you know, this quarter, which is December, January, February, at the end of the February, it will have the lowest concentration, and peak will be you know, here at the end of August in Y location. Hope you have understood it. If there is any question, you can ask me some more questions. Hope you have understood it. Thank you.